आगरा जन सुविधा के लिए रेलवे द्वारा बनाया गया अंडरपास लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। जरा सी बारिश होते ही अंडरपास में जल भराव होने से आवागमन बाधित हो जाता है। क्षेत्रीय लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे अफसरों से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। आगरा जिले के अधिकांश रेलवे द्वारा बनाए गए अंडरपास में इन दिनों पानी भरा हुआ है। रेलवे विभाग ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनवाए हैं, लेकिन ये अंडरपास बरसात के दौरान लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अंडरपास में 8 से 10 फुट तक पानी भरे होने के कारण यहां से निकलने में परेशानी उठानी पड़ती है। बाइक सवार पानी से होकर गुजरते समय दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। बीते कई वर्ष पूर्व जल भराव के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। आगरा के यमुना ब्रिज स्टेशन के नजदीक वार्ड नंबर 65 के प्रकाश नगर नुनिहाई आगरा चैन इंडस्ट्रीज के पास बने रेलवे अंडरपास में करीब 10 फीट पानी भरा हुआ है। इससे यहां आवागमन पूरी तरह बंद है। यहां से होकर पैदल निकलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान हथेली पे रखकर रेलवे लाइन से होकर गुजर रहे हैं, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन रेलवे विभाग को इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। क्या नाम है आपका? नीरज। जी नीरज जी, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है इसको लेकर नगर निगम ने क्या मतलब समाधान निकाला है इस पानी का? यहाँ लोगों को परेशानी आ रही है, पानी भरता है, इसमें पंप लगवाई जाती है। आपकी देख रेख में टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से राजेश तोमर की रिपोर्ट।